गुड मॉर्निंग चिल्ड्रेन, बच्चों आज हम लोग चैप्टर 7 द साउदर्न प्लेटूज एंड द आइलैंड में ही आगे पढ़ेंगे। द आइलैंड्स, देयर आर टू बिग आइलैंड्स ग्रुप, हमारे देश में दो बड़े आइलैंड्स के द्वीप के ग्रुप हैं। देयर आर अंडमान एंड निकोबार आइलैंड एंड लक्षद्वीप आइलैंड, ये दो आइलैंड्स हैं। अब हम लोग पहले अंडमान एंड निकोबार आइलैंड के बारे में पढ़ेंगे। अंडमान एंड निकोबार आइलैंड आर इन द बे ऑफ बंगाल, अंडमान निकोबार द्वीप है वो बंगाल की खाड़ी में है। द 10-degree चैनल सेपरेट्स द अंडमान फ्रॉम द निकोबार आइलैंड, 10-degree चैनल जो है वो अंडमान और निकोबार आइलैंड को अलग करता है। द आइलैंड इज द ग्रुप ऑफ दीज ग्रुप्स आर हिली, इस आइलैंड्स में जो जमीन है वो यहाँ की पहाड़ी है, हिली है। राइस इज़ द मेन क्रॉप ऑफ अंडमान आइलैंड, यहाँ का मुख्य जो फसल है वो है चावल, राइस। कोकोनट एंड एरियाका नट आर ग्रोन इन दिस आइलैंड्स, कोकोनट नारियल और एरियाका नट सुपारी ये यहाँ पर उपजते हैं। फिशिंग एंड फार्मिंग आर द मेन ऑक्यूपेशन, फिशिंग मछली पालन और फार्मिंग खेती करना यहाँ के लोगों का मेन ऑक्यूपेशन है, में मुख्य व्यवसाय है। सम पीपुल्स also make sail and wooden handicraft, कुछ लोग वहाँ पर sail मतलब सीप से, संघ से जो वस्तुएँ बनती हैं, और wooden handicraft मतलब लकड़ी से जो कुछ handicraft लोग हाथ से बनाते हैं चीज़, उसमें भी कुछ लोग लगे हुए हैं। most people speak बांग्ला, और वहाँ के ज़्यादातर लोग बांग्ला भाषा में बात करते हैं। the beautiful beaches एंड द सेलुलर जेल आर द मेजर टूरिस्ट अट्रैक्शन, और यहाँ के ब्यूटीफुल बीचेज मतलब वहाँ का समुद्र का जो तट है, जो खूबसूरती है, वहाँ पर लोग बहुत सारे लोग और सेलुलर जेल के आसपास लोग घूमने के लिए आते हैं, वहाँ का टूरिस्ट अट्रैक्शन है। लक्षद्वीप, लक्षद्वीप इज़ द ग्रुप ऑफ आइलैंड्स इन अरेबियन सी, लक्षद्वीप जो है वो अरब सागर में है। दीज आइलैंड्स आर फ्लैट, और वहाँ की ज़मीन समतल है। कोकोनट इज़ द मेन क्रॉप ग्रोन हेयर, कोकोनट नारियल जो है वहाँ पर मुख्य फसल के रूप में उपजाया जाता है। कोर एक्सट्रेट फ्रॉम द कोकोनट इज़ एन इम्पॉर्टेंट इंडस्ट्री, ये वहाँ का मुख्य उद्योग है। फिशिंग इज़ द मेन ऑक्यूपेशन, और वहाँ के लोगों का मुख्य व्यवसाय मछली पालन करना है। मोस्ट पीपुल स्पीक्स मलयालम, वहाँ के ज़्यादातर लोग मलयालम भाषा में बात करते हैं। मैनी टूरिस्ट विजिट दीज आइलैंड्स, बहुत सारे टूरिस्ट लोग वहाँ पे घूमने फिरने जाते हैं।